इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे निर्देशक और निर्माता भी थे। कई यादगार फिल्में बनाने वाले राज कपूर की जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्हें कंगाली के दौर से गुजरना पड़ा था। रिपोर्ट की माने तो जब राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर फ्लॉप हुई थी तो उस समय वो पाई पाई के मोहताज हो गए थे। इस फिल्म में उनका पैसा पानी की तरह बहा था। शाहरुख खान आउटसाइडर होते हुए भी फिल्म इंडस्ट्री पे राज करने में सफल हुए। किंग खान ने इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा दौर देखा है। कुछ साल पहले शाहरुख खान की फिल्में लगातार फ्लॉप होती चली गई। आपको ये जानकर जरूर ताजुब हो सकता है कि शाहरुख खान भी पैसों की तंगी झेल चुके हैं। रिपोर्ट की माने तो शाहरुख खान ने जब फिल्म रावण बनाई तो उन्होंने फिल्म में पानी की तरह पैसा बहाया था। उन्होंने इस फिल्म में 150 करोड़ रुपए के आसपास पैसा खर्च किया था। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी इंडस्ट्री में बुरा दौर देखा था। आज भले ही अमिताभ बच्चन के पास किसी भी चीज की कमी ना हो लेकिन उन्होंने अपने करियर के मध्यम में बहुत ही बुरा दौर देखा था। साल 2000 में बिग बी की ABCL दिवालिया घोषित हो गई थी जिसके लिए उन्हें न सिर्फ अपनी कई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी बल्कि वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे। इस बुरे दौर में बिग बी का सबसे बड़ा सहारा बना कौन बनेगा करोड़पति। गोविंदा एक समय पर सबसे ज्यादा चर्चित सितारे थे। 90 के दशक में हर अगली फिल्म में गोविंदा होते थे। उनकी कॉमेडी हो या हो इमोशनल या फिर उनका डांस, दर्शक उनको बहुत पसंद करते थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कई यादगार फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया जब उन्हें फिल्में मिलना बिल्कुल बंद हो गई थी। वो कर्जे में डूब गए थे। कई इंटरव्यू में भी गोविंदा ने अपने बुरे दौर का जिक्र किया है। हालांकि उनके बुरे दौर में उनके दोस्त सलमान खान ने आगे आकर उनकी मदद की थी। जैकी श्रॉफ को ना सिर्फ फैंस ही बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने अपने करियर में विलन से लेकर हीरो तक कई रोल निभाए हैं। जैकी श्रॉफ की जिंदगी में एक ऐसा पल आया था जब वो पाई पाई को मोहताज हो गए थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को खुद स्वीकार किया था कि उन्होंने साल 2008 में साजिद से लोन लिया था लेकिन वो उसे समय से नहीं चुका सके और इस बुरे दौर में सलमान खान ने उनका साथ दिया था। कई सुपरहिट फिल्म देने वाले राजेश खन्ना अपने अंतिम दिनों में बड़े ही मुश्किलों से गुजरे हैं। रिपोर्ट की माने तो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना को ऐसी तंगी से गुजरना पड़ा जहां उनके पास अपने बंगले आशीर्वाद के मेंटेनेंस तक के पैसे नहीं थे। अनुपम खेर आज भले ही अपने करियर की ऊंचाई पर हो लेकिन अनुपम खेर ने भी अपनी जिंदगी में एक बहुत ही बुरा दौर देखा है। अनुपम खेर ने बताया है कि साल 2004 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जहां वो लगभग बैंकरप्ट हो चुके थे।